बहुत सारी दवाइयों में, बहुत सारी मेडिसिन्स में हमारी ही हर्ब्स, हमारी ही पत्तियां, हमारे ही पे स्ट्रेस नहीं लेनी है। कलर्ड वेजिटेबल्स और हरी सब्जियां आपको खूब सारी खानी है। कैसे खाना है उनको, ज्यादा से ज्यादा आप दोस्तों, क्या इंटरेस्टिंग टाइम आ गया है। आज हम सोते हुए भी बीमारियों के बारे में और कैसे अपने आप को मजबूत बनाना है, कैसे अपने आप को सेहतमंद रखना है, इसके बारे में सोच रहे हैं। और आज से 1 महीना पहले हम सोते हुए सोचते थे पैसों के बारे में, हम सोचते थे कि कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, प्यार मोहब्बत शादी फैमिली इस सब के बारे में सोचते थे। और आज हम सोचते हैं सिर्फ खुद को कैसे रखना है हेल्दी। तो इसी के ऊपर आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेके आए हैं, और वो टॉपिक है इम्यूनिटी, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि कैसे अपने आप को बीमारियों से हम बचा के रखें, क्या कर सकते हैं इस टाइम, कौन सी मेडिसिन हो सकती हैं, कौन सी सप्लीमेंटेशन हो सकते हैं, और कौन सी चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट खाने में हम अपने न्यूट्रिशन के अंदर हम ऐड करें जिससे कि हम बिल्कुल स्वस्थ निरोगी रहें। तो इसी को कवर करूंगा इस वीडियो में, और एंड तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात, और वो बात है उस चीज़ का नाम है स्ट्रेस, यानी कि जो हम चिंता करते हैं। तो हमारे परम पूज्य बाबा रामदेव भी इस बात को बार बार बोल रहे हैं कि चिंता नहीं करनी है। वो बात करते हैं प्राणायाम के बारे में, अनुलोम विलोम के बारे में, योगासन के बारे में। और लोग हंस रहे हैं कि भाई हम सुबह योगासन करेंगे तो क्या हमारी इम्यून सिस्टम, क्या हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता एकदम से बढ़ जाएगी। तो साइंटिफिकली भी, वेस्टर्न साइंस में भी इसका आंसर यस है। तो होता क्या है, जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं तो बॉडी की इम्यून सिस्टम को आपको एक्टिवेट होना पड़ता है। जब भी स्ट्रेस लेंगे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, और वो आपकी बॉडी के अंदर कई सारी चीज़ें में चेंज करेगा, हॉर्मोन्स के अंदर चेंज करेगा, आपके ब्लड प्रेशर में चेंज करेगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, आपकी ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो इम्यून सिस्टम को करनी पड़ती है। अगर बार बार स्ट्रेस लेंगे तो बार बार इम्यून सिस्टम वो सारी चीज़ें करेगा, और काफ़ी बार ऐसा करने से इम्यून सिस्टम थक जाएगा। अगर आप हमारे देश की आर्मी को या पुलिस को रोज आप इमरजेंसी कामों में भेज देंगे तो एक टाइम ऐसा आ सकता है जब वो भी थक जाएंगे। उनको भी बार बार रोटेशन करनी पड़ती है अपने जवानों की, अपनी बटालियंस की। तो इसी तरह से इम्यून सिस्टम भी हमारा अगर बार बार स्ट्रेस लेंगे तो वो भी थक जाता है। तो इसलिए हमें उसके लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिससे कि इम्यून सिस्टम दोबारा से आपका एक्टिवेट हो सके, फ्रेश हो सके। तो करना क्या है, करना क्या है स्ट्रेस ना लेने के लिए, जो काम सबसे ज़्यादा पसंद है वो काम करो। टीवी देखना पसंद है टीवी देखो, म्यूज़िक पसंद है म्यूज़िक सुनो, पढ़ना पसंद है पढ़ाई करो, वर्कआउट करो, नेटफ्लिक्स देख सकते हो। नेटफ्लिक्स में मैंने देखी एक बहुत अच्छी सीरीज शी, और Zee5 में कोना मोजी नाम की तमिल सीरीज़ है जो कि हिंदी में डब लग चुकी है अब, वो भी काफ़ी अच्छी है, तो उसको भी आप देख सकते हो। तो ऐसी जो काम करने का मन हो वो करते रहो, बोर मत हो, फ्रेश रहो, ऑक्सीजन लो बहुत सारी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, इसको इग्नोर मत करो। वीडियो के आगे मैं आपको काफ़ी सारी बातें बताने वाला हूँ, लेकिन अगर आप हो रहे हैं लेट तो दो इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट्स के नाम मैं बता सकता हूँ। एक है जिंक, स्पेशली जो कोल्ड एंड फ्लू होता है उसमें जिंक और विटामिन डी बहुत हेल्पफुल होते हैं। विटामिन डी मिलता है आपको धूप से, नहीं मिल पा रही है धूप तो सप्लीमेंटेशन भी आती है, लेकिन मार्केट अगर आपके आसपास नहीं है तो धूप से ही विटामिन डी लेने की कोशिश करिए खुले में, लेकिन ज़्यादा लोगों के साथ नहीं, सिर्फ अपनी बालकोनी या खिड़की से। और जिंक की भी आपको मल्टी विटामिन के अंदर जिंक आपको मिल जाता है, लेकिन खाने की बहुत सारी चीज़ों में जिंक ऑलरेडी अवेलेबल होता है, जैसे कि हरी सब्जियों में, कलर्ड वेजिटेबल्स के अंदर। उसकी लिस्ट मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, आगे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको बताऊंगा जिससे आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अब जहाँ तक खाने की बात है तो बैलेंस डाइट रखिए इस टाइम पे। इस टाइम पे ऐसा मत करिए कि कोई भी चीज़ एक्सट्रीम करनी है। अगर डाइटिंग कर रहे हैं तो ऐसा मत करिए कि कैलोरीज कम खानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है। तो बैलेंस्ड बैलेंस्ड कार्बोहाइड्रेट, बैलेंस्ड प्रोटीन, यानी कि आपकी प्लेट में सब कुछ होना चाहिए, थोड़ी सब्जी, थोड़े चावल, थोड़ी दाल, एग, सब कुछ बराबर मात्रा में। एक बड़ा सैलेड की प्लेट हमेशा रखनी है, और दिन भर हो सके जितना पानी पी सकते हैं उतना आपको पानी पीना है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है। ये सारे नोट्स जो हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, और जहाँ से मैंने बुक्स से रेफरेंस लिए हैं वो सारे इंस्टाग्राम में मैं पोस्ट कर दूंगा, आप डायरेक्ट उनको रेफ़र कर सकते हैं। बेसिकली मैंने बहुत सारी बुक्स रेफ़र करी,
अराउंड 4 बुक्स और काफ़ी सारे पेपर्स, और ज़्यादातर बुक्स जो थी वो वेस्टर्न साइंस की थी, यानी कि वेस्टर्न मेडिसिन की थी, लेकिन उनमें भी एक चीज़ कॉमन थी कि एंड में आते आते वो लोग भी न्यूट्रिशन को ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर मान रहे थे। आपकी जो डेली की हैबिट्स हैं, वो कैसे आपकी हैबिट्स होती हैं, उनको ही वो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे तवज्जो दे रहे थे। तो सैलेड, एक बड़ा सैलेड दिन में कम से कम खाना है, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स होनी चाहिए। आपको फ्रूट्स ज़रूर खाने हैं, फ्रूट्स में आपको ऑरेंज ज़रूर खाना है, और वेजिटेबल्स के अंदर हो सके तो ब्रोकली अगर अवेलेबल है तो खाइए, ब्रोकली नहीं मिल रही है तो पत्ता गोभी, फूल गोभी, यानी कि कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सब ज़रूर आपको खाने हैं। जितना हो सके, जितनी अवेलेबिलिटी हो उस हिसाब से इनको ज़रूर कंज्यूम करिए आप। प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड मीट, शुगर, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें जो हमें सब लोग, बड़े लोग मना करते हैं खाने के लिए, इनको अभी बिल्कुल मत खाइए, इम्यूनिटी को डेफिनेटली कमज़ोर करता है। और अगर सप्लीमेंटेशन की बात करें तो मैं तो सबसे इजीली अवेलेबल मल्टीविटामिंस के नाम बता देता हूँ। एक है बीका डेक्सामिन, अराउंड 30 रुपीज़ के आसपास आता है। दूसरा है सुप्राडीन, ये भी अराउंड 30 रुपीज़ के आसपास आता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि विटामिन ज़्यादा होते हैं बीका डेक्सामिन के अंदर, और मिनरल्स जिनके अंदर जिंक आता है वो ज़्यादा होते हैं सुप्राडीन के अंदर। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए, अगर ऑलरेडी बीमार हैं तो इन सब चीज़ों को नहीं लेना है, आपको कुछ भी नहीं लेना है। ये तभी काम करती हैं जब आप पूरी तरह स्वस्थ होते हैं। जो आदमी पूरी तरह स्वस्थ होता है और उस टाइम वो अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करता है, उस टाइम वो अपने अच्छे न्यूट्रिशन को, सप्लीमेंटेशन को फॉलो करता है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो आगे बीमार होगा। तो यहाँ पे मैं आपको लिस्ट भी दिखा रहा हूँ जो मोस्ट न्यूट्रिशियस, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली वेजिटेबल्स हैं। इस लिस्ट को ध्यान से देखिए और कोशिश करिए कि इनमें से वेजिटेबल्स आप ला सकें खरीद के, और अपने को और अपनी फैमिली को वो आराम से अच्छे से बना के खिला सकें। बनाने का तरीका हमेशा ध्यान रखिए कि ज़्यादा पकाएंगे अगर आप वेजिटेबल्स को तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू सच में कम हो जाती है। बेस्ट तरीका यह है कि बॉइलिंग वाटर में आप अपनी वेजिटेबल्स को बॉईल करिए 1 या 2 मिनट, उनको सैलड बना के नमक मिर्च या अपना सॉस डाल के उसको खाएंगे, तो वो बेस्ट फॉर्म होती है वेजिटेबल्स को कंज्यूम करने की, स्पेशली जब आप सैलड बनाते हैं। तो अगर आपका मन है कि टेस्टी वेजिटेबल्स खानी है तो सब्जी आप अलग से बना सकते हैं, लेकिन सैलड की फॉर्म में इन वेजिटेबल्स को खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं देसी दवाइयों की। अगर देसी हर्ब्स की बात करें, इंडियन हर्ब्स की बात करें, तो बहुत सारी हर्ब्स के मैं आपको नाम बता सकता हूँ। मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है इसके ऊपर, इसमें मैंने वॉइस नहीं दी है लेकिन सारी चीज़ों के स्नैपशॉट जो है वो मैंने वहाँ पे दे दिए हैं, तो उसको भी आप देख के इंपॉर्टेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका अदरक हो गया, हल्दी हो गया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक नाम अगर मैं आपको बताऊँ जो बहुत हेल्पफुल हो सकता है इस वक्त, वो है तुलसी, जो ईजिली अवेलेबल भी होती है। तुलसी की हर फॉर्म अच्छी होती है कोल्ड एंड फ्लू से आपका बचाव करने के लिए। और अगर तुलसी की बात करें, उसकी पत्तियाँ, उसकी डंडियाँ, उसकी बीज, किसी को भी अगर आप बॉईल करके उसके पानी को पिएंगे तो उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और इम्यूनिटी जो कि आंसर है कितने दिन में बढ़ती है, इम्यूनिटी तब जब, जैसे ही आप अपनी बॉडी में और अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने शुरू करते हैं तो इम्यूनिटी बढ़नी उसी के साथ शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ऐसा नहीं होगा कि आप कहें कि अब तो सब कुछ ख़राब हो रखा है, अब फ़ायदा क्या करके, नहीं, ऐसा नहीं है। इम्यूनिटी आपकी तुरंत इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी जैसे आप लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएंगे। और अगर मैं आपको बोलूं कि ऑसिमम सिनेक्टम बहुत अच्छा ऑप्शन है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, ये तुलसी का ही साइंटिफिक नेम है। तो बहुत सारी दवाइयों में, बहुत सारी मेडिसिन में हमारी ही हर्ब्स, हमारी ही पत्तियाँ, हमारे ही पेड़ पौधे यूज़ होते हैं, तो आप इसको कम मत समझिए, इनका कंजप्शन करते रहिए। इस वीडियो में मैंने आपको सारी बेसिक बातें समझा दी हैं। वीडियो बहुत लंबा बनाना मैंने राइट नहीं समझा इस टाइम पे, क्योंकि लंबे वीडियो शायद आप ना देखना पसंद करें, तो छोटी छोटी बातें जो बताई हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट, फ़ायदेमंद आपके लिए हो सकती हैं। तो इसका रिकैप ये है, स्ट्रेस नहीं लेनी है, कलर्ड वेजिटेबल्स और हरी सब्जियां आपको खूब सारी खानी हैं। कैसे खाना है उनको, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बॉइल्ड फॉर्म में खाना है, ना कि उनको पका के मसाले डाल के खाना है। अच्छे से नींद लेनी है, खूब सारा पानी पीना है, और इंडियन हर्ब जैसे कि तुलसी, अदरक, हल्दी का बार बार कंजप्शन करना है, दिन में 1 या 2 बार। तो ये सब चीज़ें करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम तुरंत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और अगर क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है rajat.ialphatv, उस पर पूछ सकते हैं, और कोई और क्वेश्चंस हैं तो भी मुझसे पूछ सकते हैं। आजकल मैं अभी होम, मैं लॉकडाउन हूँ, घर में लॉकडाउन हूँ, तो और कोशिश करूँगा वीडियोज़ बनाने की। तो और वीडियोज़ क्या बनाने हैं उसके लिए मुझे कमेंट में बताइए, मुझे सजेशंस दीजिए। मिलते हैं दोबारा, गुड बाय।